दिल्ली में बहुत सारी एजेंसीज हैं, हम एनजीटी की बात आपसे कर रहे हैं, हम अभी सीपीसीबी की बात कर लें, हम दिल्ली सरकार की बात कर लें, हम दिल्ली सरकार के जीआरएपी की बात कर लें, ग्रेटर रिस्पांस एक्शन प्लान की बात कर लें, हम बात कर लें किस तरह से ऑड इवन का सिस्टम है, हम बात कर लें कैसे सीसी इस पर काम कर रही है, ये सारी संस्थाएं इतने बड़े बड़े नाम और नतीजा सिफर। डॉक्टर अंशुमन कैसे देखें? जी बिल्कुल आपने सही कहा, जितनी संस्थाएं बनी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, नतीजा वही पांचवा मौसम प्रदूषण का बनता जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि अंदाजा नहीं इनको इसका लॉन्ग टर्म असर जो आने वाला है, ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर हो जाएगा हिंदुस्तान, खास करके दिल्ली एनसीआर। बहुत बड़ी बात कह दी आपने सर, एक बार फिर से बताइए क्यों हो जाएगा, ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर हो जाएगा हिंदुस्तान इस प्रदूषण की वजह से? जी ये बहुत बड़ी वार्निंग मैं दे रहा हूं, और नहीं है तो आज का आर्काइव आप रख लीजिएगा, आप निकाल के 3 से 4 साल और रुक जाइए, दिखा दीजिएगा। कार्सिनोजेंस इतने हैं दिल्ली के वातावरण, दिल्ली मींस दिल्ली एनसीआर के वातावरण में, जो हम इनहेल कर रहे हैं, और ये स्मोकिंग सिगरेट तंबाकू से ज्यादा खतरनाक है। ये वो बेचारे निर्दोष सिर्फ दिल्ली में रहने का टैक्स भरेंगे कैंसर की बीमारी लेके, अगर इसको नहीं सुधारा गया, और ये मौलिक अधिकार है, इसको सुधारना पड़ेगा, अन्यथा बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव होने वाला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।